हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। ईरान ने एक साथ तकरीबन 181 मिसाइलों से हमला किया। हालांकि ज्यादातर को इसराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरानी हमले में प्रतिक्रिया देते हुए इसराइल ने कहा है कि वह ईरान के मिसाइल हमले का अपने हिसाब से जवाब देगा और ईरान को चेतावनी दी कि हमले के नतीजे भुगतने होंगे। खबरों के अनुसार इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके देश पर मिसाइल हमले के लिए ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मिसाइल हमला एक नाकामी था, लेकिन ईरान को जल्द ही एक दर्दनाक सबक मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी हम पर हमला करता है, हम उन पर हमला करते हैं। ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी, जिसके कारण इसराइली नागरिकों को सुरक्षित स्थानों का आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं ईरान ने इस हमले के बाद जश्न मनाने लगा। ईरान के हमले के बाद अब इसराइल भी पलटवार को तैयार है और माना जा रहा है कि कुछ ठिकानों को चिन्हित भी कर लिया गया है। अब इसराइल एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। संभावित टारगेट्स में ईरान के तेल डिपो और हवाई अड्डे शामिल हो सकते हैं। इसराइल का प्रमुख निशाना परमाणु ठिकाने, यूरेनियम खदानें, सैन्य ठिकाने और रिसर्च रिएक्टर सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है।